हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं आपके सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। वो क्या है, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में कोई बच्चा कितनी बार पेपर दे सकता है, क्योंकि पेरेंट्स को यही नहीं पता कि मेरा बच्चा एक बार दे सकता है, दो बार दे सकता है। ऐसा भी सुनते हैं कि नहीं दे ही नहीं सकता आपका बच्चा तो, या कई बार जितनी बार चाहे इतनी बार दे सकता है। तो एक एक वीडियो में अब तक हम क्या कर चुके हैं, मिलिट्री स्कूल की एज कितनी होनी चाहिए वो देख चुके हैं, सैनिक स्कूल की देख चुके हैं। अब मैं आपको बना लूँ कि कितनी बार आपका बच्चा सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल का सीईटी, सैनिक स्कूल का जो आपका एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें कितनी बार अपियर हो सकता है, कितनी बार अपियर हो सकता है मैक्सिमम और मिनिमम सब कुछ तो हम देखेंगे। चलिए, तो क्योंकि इसमें क्या होगा कि भाई पेरेंट्स को ये रहता है कि उनके पास तो एक ही चांस है और वही चला गया, वही दो महीने, फिर वो दोबारा फॉर्म ही नहीं भरते चाहे उनकी एज भी है। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको कि क्या होने वाला है, क्या कितनी बार आप इसको दे सकते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि पेपर देने के साथ साथ जरूरी क्या है, तैयारी होना, उसकी तैयारी, उसको निकालना पेपर को। और मुझे लगता है हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसमें बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारे बच्चे इससे फायदा लेते हैं, जो एग्जाम देते हैं उनका रिव्यू आते हैं हमारे पास, कमेंट आते हैं, फोन आते हैं कि मुझे बहुत हेल्प मिली, और आगे भी आपको यह हेल्प मिलती रहे, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लेते रहे, यही हमारी कोशिश है। और हमारी एक कोशिश खास है, हम सरकारी सैनिक स्कूल में चाहते हैं बच्चे का सिलेक्शन हो। अगर आपको प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाना है तो कोई कोशिश की आवश्यकता नहीं, जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं ना अपने, उसी से ही आपके 130-140 नंबर आ जाते हैं और उसी से आपको कोई ना कोई प्राइवेट सैनिक स्कूल मिल जाएगा, जो कि पहली साल का ट्रेंड यही है, आराम से एडमिशन मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज का हमारा क्या डिस्कशन है, आज का हमारा डिस्कशन है कि इसमें क्या होता है। देखो भाई इसमें जब आपका कक्षा 6 में बच्चा, इसमें एडमिशन कौन सी क्लास के लिए होता है, वो होता है कक्षा 6 के लिए, ठीक है। कौन सी क्लास के लिए होता है भाई, कक्षा 6 के लिए होता है, क्लास 6 के लिए एडमिशन होता है। मतलब जब सैनिक स्कूल में बच्चा आपका एडमिशन लेगा, वो लेगा क्लास 6 में, क्लास 6 में एडमिशन लेगा, सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में, ठीक है। क्लास 6 से लेके वो कौन सी क्लास तक पढ़ेगा, क्लास 6 से लेके वो 12वीं तक वहां पे पढ़ेगा, ठीक है। क्लास 6 से लेके 12 तक उसकी वहां पे एजुकेशन होगी। अब सवाल ये होता है कि भाई कितनी बार कोई बच्चा पेपर दे सकता है, तो मैक्सिमम है इसमें बच्चा दो बार पेपर दे सकता है, दो बार अधिकतम बच्चा पेपर दे सकता है। वो कैसे, बस उसकी एज होनी चाहिए भाई। इसमें एज क्या मांगते हैं, ये देखो, सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में जाने के लिए बच्चे की उम्र होनी चाहिए 10 से लेके 12 साल उसकी बच्चे की आयु होनी चाहिए, ठीक। तो 10 से लेके 12 साल बच्चे की आयु में, लेट सपोज किसी बच्चे ने 10.5 साल की उम्र में पेपर दिया, ठीक। अब जब उसका 10.5 साल की उम्र में पेपर देगा और उसका लेट सपोज सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जब वो अगली बार पेपर देगा तो उसकी उम्र क्या हो जाएगी, 11.5 साल, क्या हो जाएगी, 11.5 साल। तो हो गया कुल मिला के दो बार। लेकिन अगर किसी बच्चे ने, मान के चलो, 11.5 साल की उम्र में ही ये पेपर दिया, तब हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि जब वो अगली बार पेपर देने जाएगा तो उसकी उम्र हो जाएगी 12.5 साल। तो वो बच्चा, अगर किसी बच्चे के पास डेट ऑफ बर्थ है और उसके उसकी डेट ऑफ बर्थ 10 से 12 साल की बार दो बार आ रही है, तो वो पेपर दे सकता है। लेट अस सपोज मैं एक डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूं भाई, मान के चलिए आप 31 मार्च किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, 31 मार्च 2014, ठीक। तो भाई ये बच्चा क्या करता है, ये बच्चा दो बार पेपर दे सकता है, जो इस बार दिसंबर वाला आ रहा है उससे अगली बार भी, क्योंकि जब ये 14 से पेपर देने जाएगा तो इसकी 10 साल उम्र होगी, और अगली साल जब पेपर देने जाएगा तो इसकी लगभग 11.5 साल के आसपास हो जाएगी, तो ये दो बार पेपर दे लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी बार, एक बार ही पेपर दे सकता है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, वो एज होनी चाहिए बच्चे की एज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि कक्षा 5 में पढ़ रहा हो या कक्षा 5 पास कर चुका हो। ऐसा नहीं है कि दो बार पेपर नहीं दे सकता, बच्चे की एज होनी चाहिए। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि साफ लिखा हुआ है, वहां पे क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय में ये क्लियर लिखा हुआ है कि आपका बच्चा एक बार ही पेपर दे सकता है, ठीक है भाई, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चा एक बार पेपर दे सकता है, जेएनयू में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा दो बार आराम से पेपर दे सकता है, बस शर्ते उसकी एज होनी चाहिए, एज मैटर करती है यहाँ पे, एज, ठीक है। और ये मैं मिलिट्री स्कूल के बारे में बिल्कुल एकदम क्लियर बता चुका हूँ एज क्या होनी चाहिए, सैनिक स्कूल के बारे में बता चुका हूँ क्या एज होनी चाहिए, वहाँ से आप देखो, तो आपका बच्चा ये डाउट क्लियर हो गया, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का पेपर दो बार दे सकता है अधिकतम, चाहे वो 9th हो या वो 6th क्लास हो,
क्लियर। तो यहां से मुझे लगता है अब पेरेंट्स को काफी राहत मिलेगी। इस बात से एक राहत और भी मिल जाएगी, हमारा प्रतिज्ञा बैच राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए लॉन्च हो चुका है, ऑनलाइन बैच है, क्लासेस 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। भाई देखो, मैटर ये नहीं करता आपका बच्चा कितनी बार पेपर दे सकता है, लेकिन मैटर एक जरूर करता है कि आपके बच्चे की तैयारी कितनी है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की तैयारी कितनी है, प्रिपरेशन कितनी है, और उसकी तैयारी को मजबूत करेगा हमारा ये प्रतिज्ञा बैच। आपको क्या करना है भाई, 7088 ये नंबर को डायल करके इसमें क्या करना भाई, इनरोल कर लो। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे एजुकेशन काउंसलर से आप इसमें ले सकते हैं। ये हमारा लाइव बैच है। लाइव बैच में क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू तैयारी होती है। एक और लाइव बैच है भाई हमारा, ये है प्रहार बैच, और ये किसके है, ये है आपका RIMC जो दिसंबर में होने वाला है उसके लिए ऑनलाइन बैच है। ये भी क्या है, ऑनलाइन बैच है, और हमारा ऑफलाइन बैच भी लॉन्च होने वाला है जल्दी, लेकिन ये ऑनलाइन बैच है, आप इसमें एनरोल कर लीजिए। और टफ लेवल जो इस बार RIMC ने खेल किया ना, उसको उस खेल को एक प्रकार से यहाँ से उसको मात मिलेगी, उस खेल को यहाँ से आपका बच्चा डट कर सामना करेगा RIMC के टफ लेवल एग्जाम का भी। क्लियर भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। मुझे लगता है कि अब ये डाउट क्लियर हो गया कि कितनी बार बच्चा पेपर दे सकता है। 2 बार मैक्सिमम आपका बच्चा पेपर दे सकता है, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का। क्लियर, चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर अगले किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।